وصلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الكرام وعلى آله وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. अल्लाह की सरदार बकदम शान है, इंसान नहीं इंसान वो इंसान नहीं है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान राहत में इश्क रुके शह कदाब लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, क्या कह सके जो ये सुराग लेके चले। गौसे आजम, गौसे आजम बने बे सरो सामा मदद किबलाए दीन मदद काबा ईमान। सुन्नी हम नाराए या गौसे आजम नी जनम दमज शाह अहमद रजा खान कुतुब आलम। माह ज़बीउल अव्वल शरीफ सरकार मदीना सुरूर कल्ब सीना महबत वाहिद सकीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमदो विलादत का माह मुबारक है। इस मुबारक महीने में हुजूर की आमद हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर की आमद विलादत इंसानों के लिए पूरी कायनात के लिए बहुत बड़ा शर्फ है और सआदत इंसानों के लिए कि उनमें हुजूर तशरीफ लाए। हजरत ताजुश्शरी या मुफ्ती अख्तर रज़ा रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं कि रब्बे करीम ने और नेमतों का एहसान नहीं जताया, बेशुमार नेमतें दी, लेकिन लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूला फरमाकर हुज़ूर की विलादत का हुज़ूर की आमद व तशरीफ़ आवरी का एहसान जताया। यानी मंशाए खुदावंदी ये है, मकसूद रब्बानी ये है कि तुम्हें हुजूर जैसी नेमत मिली, लिहाजा तुम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। और ये तो बड़ी मारूफ आयत है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू, कि जब अल्लाह की रहमत हो अल्लाह का फजल हो उस पर चाहिए कि खूब खुशी की जाए। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर रब की कोई रहमत नहीं, बल्कि हुजूर ही रब की रहमत है। रहमतुल लिल आलमीन का ताज अल्लाह ने आपके ही सर पर सिखाया। और ऐसे ही हुजूर अल्लाह का फजल है, वकान फजलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, फजल भी हुजूर के सदके में, रहमत भी हुजूर के सदके में, हर इनायत हुजूर के सदके में।
और रब कहते हैं कि जब फजल इनायत हो तो अल्लाह की बारगाह में तशक्कुर करो, इजहार फरहत करो, हसरत और इंबेसात से काम लो, खुशियां मनाओ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह महफिल मिलादुन्नबी के जवाब और इस्तेहसान पर गुफ्तगु करते हुए लिखते हैं कि अल्लाह करीम ने फरमाया फज़क्किरहुम भी अय्यामिल्लाह, के महबूब इन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। और रब्बे करीम फरमाता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि जब अल्लाह की नियमत मिले तो उसका खूब चर्चा करो। अब हजूर के रोजे मिलाद से बढ़ के यौमुल्ला कौन सा हो सकता है? अगर मूसा अलैहिस्सलाम जिस दिन फिरौन से निजात पाए वो अय्यामुल्ला में शामिल है तो फखरे मूसा, फखरे ईसा, फखरे आदम, शाने रिसालत, जाने ईमान, माहे नबूवत जिस दिन तशरीफ लाए वो अय्यामुल्ला में शामिल है। और अय्यामुल्ला को याद रखना अल्लाह का हुक्म है, इसलिए इन तीनों आयतों पे अमल उस वक्त पूरा होगा जब महफिल मिलाद मनाई जाएगी। रब ने कहा कि बेशक अल्लाह का मोमिनों पर एहसान है, एहसान अजीम है जो अपना महबूब दिया, तो जब एहसान होता है उसका शुक्रिया अदा किया जाता है। और महफिल मिलाद यही शुक्रिया अदा करने का एक जरिया है। फिर फरमाया कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कि अल्लाह की रहमत मिले, अल्लाह का फज़ल मिले तो फरहत का इजहार करो, खुशी मनाओ। हजूर से बड़ी कोई नेमत नहीं, हजूर से बड़ी कोई रहमत नहीं, हजूर से बड़ा कोई फज़ल नहीं, तो महफ़िल मिलाद से बेहतर क्या अंदाज होगा इजहार मसर्रत का, इजहार फरहत का। फिर रब ने फरमाया वो अम्मा भी नेमत रब्बी का फहद्दिस, कि अल्लाह की नेमत मिले तो खूब चर्चा करो। तो ये महाफिल मिलाद हजूर का चर्चा करने के लिए ही तो निकाल की जाती है, हजूर के हुस्न का चर्चा, हजूर के जमाल का चर्चा, हजूर के कमाल का चर्चा, सरकार की खत्मे नबूवत का चर्चा, हजूर के अफजलुल मुरसलीन होने का चर्चा, हजूर के अकरमुल अवलीन वल आखरीन होने का चर्चा। महफिल मिलाद शुरू से आखिर तक हजूर की हिम्मत हासराय पर मुशर्रफ। और यहां ज़ाविया फ़िक्र को और रूए सुखन को मुर्तकस करूंगा सिर्फ हजूर के चर्चे पर। इस सरकार का चर्चा, हजूर की शोहरत इस शाम से रब ने दुनिया में जारी और सारी रखी। सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अर्श पे ताजा छेर छा, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास। ये मुमकिन कहां कहां मुंह छुपाएंगे, हर जगह हर लम्हा हजूर की असमत का चर्चा हो रहा है। अंबिया साबिकीन अलैहिस्सलाम अपने अपने जमानों में जिक्र मुस्तफा करते रहे, मौला अली और हजरत इब्ने अब्बास बयान करते हैं वाइदा हदल्लाहु मिसाक नबी शीर की आयत की तफसीर में कि जितने नबी रसूल दुनिया में आए अपनी उम्मतों से हमारे हुजूर पर ईमान लाने का अहद लेते रहे, वादा देते रहे। और हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं लम तज़ल उम्म ततबाशिरु बिही व तस्तफ्तिहु बिह, कि जितनी उम्मतें हुई उनमें जितने भी ईमान वाले थे वो हमारे हुजूर की आमद की खुशियां मनाया करते थे।
खुशखबरियां सुनाया करते थे, एक दूसरे को मिलते तो मुजदा दिया करते, तस्तफ्ती हो गई। और पहली उम्मतें हमारे हजूर के वसीले जलीला से रब से फतह मांगा करती, हजूर के वसीले में, हजूर के वास्ते में, हजूर के सदके में रब की बारगाह में दुआ किया करते वो पहले लोग। आला हजरत ने हदीस बयान की अकाबी मुहद्दिसीन के हवाले से और कुरान पाक की इस आयत के ज़िमन में कि रब ने कहा वह कानू मिन कब्ल यस्तहून अल्लज़ीना कफरू, कि ये जो अहले किताब है इन पर जब काफी लोग छूट पड़ते, मुश्रिकीन इस पे हमला करते, तो ये अहले किताब, ये यहूदी नसारा, ये पहली उम्मतों के साहिबान ईमान लोग, ये इकट्ठे होकर दुआ मांगा करते, اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر زمان الذي نجد نعطه في التوراة، اللہ اس سونے نبی کے صدقے ہماری مشکل کشائی کر دے، ہماری حاجت روائی کر دے، ہمیں فتح و نصرت دے دے، ہمیں کامیابی کامرانی دے دے، ہمیں دشمن کے شر سے بچا لے، اس نبی کے صدقے میں جو خاتم النبیین ہے، جو آخر الزمان ہے، جو آخر الانبیاء ہے، اور جب ہم تورات پڑھتے ہیں تو انہی کے جلوے ہمیں نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں اس نے میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ،
इश्क़-ओ-मोहब्बत आला हज़रत आला हज़रत इश्क़-ओ-मोहब्बत इश्क़-ओ-मोहब्बत आला हज़रत आला हज़रत मीनार पाकिस्तान दाता हुज़ूर के दरो दीवार के साए में मीनार पाकिस्तान की पूरी ग्राउंड में लाखों के मजमे में बाबा जी ने जिस वारफ्तगी जिस इश्क जिस वजदान और जिस ज़ौक के साथ ये नारा बुलंद किया इसका मतलब वाज़े है कि मसलक चलेगा तो इमाम अहमद रज़ा का चलेगा, फिक्र चलेगी तो इमाम अहमद रज़ा की चलेगी, फतवा चलेगा तो इमाम अहमद रज़ा का चलेगा, इज्तिहाद चलेगा तो इमाम अहमद रज़ा का चलेगा, तर्जुमा कुरान चलेगा तो इमाम अहमद रज़ा का चलेगा, नाते चलेगी तो इमाम अहमद रज़ा की चलेगी। अब दौर अहमद रज़ा का है, अब ज़माना अहमद रज़ा का है, क्योंकि अहमद रज़ा ने मोहब्बत के रसूल का जाम ही ऐसा आम कर दिया कि पूछा पूछा नगर नगर डगर डगर दरिया दरिया रज़ा 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 के नारे। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत ये नारा बाबा जी का शेर देके गया। हमारे अमीर मोहतरम कायदे मोहतरम साहिबजादा मौलाना मोहम्मद साद हुसैन रज़वी हमने मरकज़ इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस की वहां पे उन्होंने नारे लगाए कि बाबा जी क्या नारा देके गए ना, इश्क़ो मोहब्बत आला हज़रत आला। फरमाने लगे मैं इजाफा कर रहा हूँ गैरत व अज़मत गैरत व अज़मत अपने वजीर मुशीर भेजे कि मौलाना अहमद रजा से कहो, आला हजरत से कहो, इमाम अहले सुन्नत से कहो, मुजद्दीद दीन व मिल्लत से कहो, हमारा कोई कसीदा लिख दे, हमारे लिए कोई कलाम लिख दें, हमारी कोई मदहा और सना लिख दें, हमारे लिए कोई गजल कह दें, कोई दो लफ्ज ही इरशाद फरमा दें, हम सोने में तोल देंगे, चांदी के अंबार लगा देंगे, हम सब जवाहर कदमों में ढेर कर देंगे, हम इतनी जागीरें नाम लगा देंगे, इतना रुपया देंगे, इतना पैसा देंगे, मौलवी अहमद रज़ा से कहो कोई दो चार शेर हमारे लिए भी लिख दे, चाहे वजीर मुशीर आए तो आला हज़रत को ये कहा तो मेरे इमाम ने फरमाया करूं मदहा अहले दौलत रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूँ अपने करीब का मेरा दीन पारा इमाम। सुभान अल्लाह कमाल हुस्ने हुजूर ये गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कहा जिसका महबूब इतना सोना हो, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। मान गए बादशाह रईस तू मुझे क्या देगा, मैं भी मेरी जद भी मेरी आल भी पलती है तो नबी के आल के टुकड़ों पे पलती है, हमारा गुजारा होता है तो घरे मुस्तफा से। हजूर के जिक्र पाक की बात मैं कर रहा था, आला हजरत ने एक हदीस बयान की हजूर की अफसलियत मुकद्दसा के बयान में तिरमिज़ी शरीफ से, हदीस पाक में है कि सहाबा किराम हजूर के दर दौलत पे हाजिर है सरकार की जियारत करने के लिए, हजूर के इंतजार में बैठे हैं। अब सरकार का इंतजार हो रहा है, हजूर अपने काशान नबूवत में हैं, अपने घर मुबारक में हैं, अपने हुजरे वाला में हैं, सहाबा मस्जिद नबी के सहन में बैठ के
दो सहाबा आए, चार आए, छह आए, आठ आए, दस आए, पूरी मस्जिद शरीफ भर गई। अब सहाबा पहले इंतजार करते रहे हजूर की याद में बैठे रहे, फिर याद मुस्तफा ने जिक्र अंबिया शुरू कर दिया। जिक्र अंबिया की महफिल बन गई। एक सहाबी ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम की शान का खुतबा पढ़ा, कहा वो सफीउल्लाह है। दूसरे सहाबी ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान का खुतबा पढ़ा, कहा वो खलीलुल्लाह है, और ताज्जुब किया, देखो कितनी बड़ी शान, वो सफीउल्लाह, वो खलीलुल्लाह। तीसरे सहाबी ने जनाब मूसा की शान का खुतबा पढ़ा, कहा कि अल्लाह ने उनसे कलाम किया, बड़ा ताज्जुब किया उन्होंने, उनकी कितनी शान आला कि रब उनसे कलाम फरमाए, कलीमुल्लाह का नाम। अगले सहाबी ने जनाब ईसा की शान का खुतबा पढ़ा और ताज्जुब किया, देखो जनाब ईसा की शान कितनी आला है, वो कलिमतुल्लाह है, वो रूहुल्लाह है। सहाबा इस तरह अंबिया किराम का जिक्र करते रहे और ताज्जुब करते रहे, ये बड़ी शान है उनकी, बड़ी शान है उनकी, बड़ी शान है उनकी। जब वो बातें करके खुतबे पढ़ के अंबिया किराम की शान बयान करके खामोश हो गए, तो मेरे मुस्तफा हुजरे वाला से तशरीफ ले आए, अपने काशाने पर से तशरीफ ले आए, और सहाबा इकराम की महफिल में बैठे, फरमाने लगे कद समीतु कलामकुम वाजबकुम, मेरे गुलामों मैंने तुम्हारी तकरीरें सुन ली हैं, तुम्हारे किताबात सुन लिए हैं, तुम अंबिया किराम की शान बयान कर रहे थे, तुमने जनाब इब्राहिम की शान बयान की, मूसा और ईसा की शान बयान की, आदम की शान बयान की, कद समीतु मैंने सुन लिया जो कुछ तुमने बयान किया, तुम्हारा कलाम भी सुना, और जिस तरह तुम ताज्जुब करते रहे कि आदम की बड़ी शान, इब्राहिम की बड़ी शान, मूसा की बड़ी शान, ईसा की बड़ी शान, मैंने ये भी देख लिया, सुनो इन्ना इब्राहिम खलीलुल्लाह वहुवा कदालिक, तुमने सही कहा, इब्राहिम की बड़ी शान कि अल्लाह ने उनको खलीलुल्लाह का नाम दिया, खुल्लत का ताज पहनाया, खुल्लत का मकाम बख्शा, वहुवा कदालिक, हाँ हाँ वो ऐसे ही हैं। और तुमने कहा मूसा की बड़ी शान, वह मूसा नजीउल्लाह वहुवा कदालिक, हाँ मूसा को रब्बे करीम ने चुन लिया, उनको निजात बख्शी, फिरौन के उस जुल्म और सितम से उनको बचाया, उनकी बड़ी शान, रब ने उनसे कलाम किया, उनका बड़ा मकाम, वो ईसा रूहु व कलिमतुहु, और तुमने कहा ईसा रूहुल्लाह है, कलिमतुल्लाह है, और तुमने ताज्जुब किया, वह हुआ कदाली, हाँ ये उनकी शान है, वो आदम मुस्तफा हुल्ला और आदम सफीउल्लाह है, वह हुआ कदाली, तुमने जो उनकी शान बयान की वो ऐसे ही है, अला लेकिन सुन लो वाना हबीबुल्लाह और मैं अल्लाह का हबीब, करते होंगे कि हुजूर हमारी शान बयान कर रहे हैं।
आदम ने अपनी सारी जिंदगी, मूसा ने अपनी सारी जिंदगी, ईसा ने अपनी सारी जिंदगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इन तमाम नबियों और रसूलों ने अपनी सारी जिंदगी हजूर का जिक्र किया। जन्नत के बाला खानों से ये भी छान कर देखते होंगे आज मुस्तफा हमारा जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया आदम सफीउल्लाह है और मैं हबीबुल्लाह, मूसा नजीउल्लाह है, कलीमुल्लाह है, हजूर हबीबुल्लाह है, ईसा कलीमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, हजूर हबीबुल्लाह है, आदम खलीलुल्लाह है, हजूर हबीबुल्लाह है। मतलब क्या? इस कलाम में हजूर ने की वजाहत नहीं की। एक लफ्ज़ बोला अला, जिसका मतलब है खबरदार, गौर से सुनो, ध्यान करो, दिल में बसा लो, लोहे दिल पे नक्श सब कर लो कि वो सब कलीम है, रूह है, कलिमा है, सफी है, नजी है और जली है और मैं हबीब। सुभान अल्लाह। पता कैसे चलेगा कि हजूर नबी पाक का ये फरमाना कि उनकी बड़ी शानें हैं लेकिन मैं हबीबुल्लाह हूं, मतलब ये कि वो सारे मिलकर भी उस मकाम को नहीं पहुंच सके जिस मकाम पे मैं दिलवाऊंगा। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदि वैसा दादी आज खूबा हमदा रंग तू तरहा दादी। और मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरे। सफीउल्लाह वो हैं आदम अलैहिस्सलाम जिनको फरिश्तों से सजदा कराया, और हबीब वो हैं मुस्तफा करीम जिनके सदके में उनको सजदा कराया। इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, उनके सर पे खुल्लत का ताज सजाया, और हजूर हबीबुल्लाह हैं जिनके सदके में उनके हिस्से में ये मकाम आया। इब्राहिम खलीलुल्लाह को आतिशे नमरूद में जलवाया गया और मोहम्मद हबीबुल्लाह के सदके उस आतिश को गुलशन और गुलजार बनाया। हबीबुल्लाह। अब अगले जुमलों में वजाहत मौजूद है कि हजूर हबीबुल्लाह है तो हजूर की शान क्या है, हजूर हबीबुल्लाह है तो हजूर का मकाम क्या है, हजूर हबीबुल्लाह है तो हजूर की वो असमत और रिफत का जलवा क्या है। सुना कीजिए या बच्चिया मोहत भेज दो, पीछे भेजो। अब हबीबुल्लाह होने की शान फरमाते हैं वो आना हामिल लिवा अलहमदी यौम अलकियामत वला फखर। आना हामिल लिवा अलहमद यौम अलकियामत, मैं कयामत के दिन अल्लाह ताला मुझे हमद का झंडा अता फरमा देगा। लिवा हम सारी हम अल्लाह के लिए, और कल कयामत का दिन होगा हजूर मकामे महबूब पर होंगे और लिवाए हमद आपके हाथ में होगा। क्या मतलब? आला हजरत ने इसका मतलब ये बयान किया, मकामे महमूद पे जलवा गर होंगे, लिवाए हमद हजूर के दस्ते गरम में होगा, सारे नबी सारे रसूल मलाइका मुकर्रमीन हामिलीन अर्श अव्वलीन आखिरीन सब हाथ उठा उठा कर हजूर की मदहो सना कर रहे होंगे, हजूर की हमद बयान कर रहे होंगे, हर कोई
इस हुजूर की तारीफ हो तो सही। हम्द का झंडा देगा, लिवाए हम्द, ये वही झंडा है कि जिसकी शान में आला हजरत ने ये कहा, सबाबो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जमा तुम्हारे, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां जबान बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, छे भी वहां तुम्हारे लिए। हुजूर फरमाते हैं तहतहु आदमु ओमन सिवा, हुजूर फरमाते हैं कि मेरे ही झंडे के नीचे आदम भी आकर खड़े हों, मूसा भी आकर खड़े हों, ईसा भी आकर खड़े होंगे, सफीउल्ला जिसके झंडे के नीचे खड़े होंगे उसे हबीबुल्ला कहते हैं, नजमीउल्ला जिसके परचम के साए में आएंगे उसको हबीबुल्ला कहते हैं, कलीमुल्ला जिसके परचम के साए में आकर सलाम शौक पेश करेंगे उसे हबीबुल्ला कहते हैं, ईसा कलीमतुल्ला रूहुल्ला और इब्राहिम खलीलुल्ला आकर जिसको सलामी देंगे उसको हबीबुल्ला कहते हैं। समाप्त कीजिए आगे प्यारे आका ने फरमाया वो अना अव्वलु शाफिउ व अव्वलु मुशफ्फिउ यौमल क़ियामा, जो फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं ही सबसे पहले शफाअत फरमाऊंगा और सबसे पहले मेरी ही शफाअत कबूल की जाएगी। मन दल्लदी यशफाउ हिंदाहु इल्ला बिइज़्निह, और कीजिए रब फरमाते मन दल्लदी यशफाउ हिंदाहु, किसकी ताकत है, किसकी हिम्मत है, किसकी जुरात है कि हमारे सामने खड़े होकर किसी की शफाअत करे, किसी की सिफारिश करे, किसी में ये दम हम नहीं, किसी में ये ताकत और जुरत नहीं। यही वजह है कि आदम से लेकर ईसा तक सब यही कहेंगे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, तो याद है फिर शफाअत करेगा कौन, फरमाया मन दल्लज़ी यशफाउ इंदहू इल्ला बिइज़्निह, फरमाया इल्ला बिइज़्निह का पर्दा उठा कर देख तुझे रुखे मुस्तफा नजर आएगा, तुझे अज़मत मोहम्मद अरबी का जलवा। क्या फरमाया अना अव्वलु शाफिउ व अव्वलु मुशफ्फिउ, हुज़ूर की शफाअत का इनकार किया जाता है, नहीं नहीं वही होगा जिसने जो किया, होगा तो वही जिसने जो किया लेकिन मुस्तफा होने नहीं देंगे, उनकी शफाअत का मतलब ये है। प्यारे आका फरमाते हैं शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, बड़े बड़े पापी भी आ जाए मेरी शफाअत उनको भी अपने दामन में ले लूं। समाज हजरत के वाले गिरामी मौलाना नकी अली खान अपनी शाहकार किताब सीरत तैयबा में सुरूर कुलूब में सुरूर कुलूब जिक्र महबूब ना कैसा रखा कि दिलों का सुरूर याद नबी में, सुभान अल्लाह। उसमें वो हदीस बयान करते हैं जब हुजूर की विलादत बासादत हुई तो क्या आलम था, जब हुजूर का मिलाद हुआ
सरकार जलवा आ रहा है, आलम हुए, हुजूर ने अपने कदम मुबारक से इस धरती को इज्जत बख्शी और हुजूर के चेहरे का नूर इस कायनात में चमका। वो घड़ी कैसी घड़ी थी? हदीस पाक के हैं, ये बात अम्मा आमिना ने बयान की, सईदा सफिया ने बयान की, हुजूर की दाए पाक ने बयान की कि हुजूर की विलादत बासादत हुई, आका करीम ने रब की बारगाह में सजदा किया, अपनी अम्मा जान अम्मा आमिना के पहलू में सोने नबी ने रब को सजदा करके बता दिया, दुनिया को दिखा दिया कि मैं भी तैयब होता ही हूँ, मेरी अम्मा भी तैयबा होता ही रहा है, मैं भी पाक और सुथरा हूँ, मेरी माँ भी पाक और सुथरी है, मैं भी सरापा नूर हूँ, मेरी माँ भी सरापा नूर। सजदा किया, सजदा करके अम्मा अमीना फरमाती ने देखा कि सोने ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई, सुभान अल्लाह, रब को सजदा किया। ये हुजूर की मारिफत तामा है, हकीकत नाम ही हुजूर के इरफान का है। सुभान अल्लाह। अगर ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की पाकीज़गी और सदाकत बयान करने के लिए गहवारे में यहूदियों से कलाम कर सकते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह फरमा सकते हैं, आदानियत किताब का ऐलान कर सकते हैं, तो सोना मोहम्मद तो ईसा का भी आका मौला है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हुजूर ने उसके मुबारक ऊपर की और पढ़ने लगे, अल्लाह अकबर कबीरा والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله پھر حضور پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ اللہ کی ہم کبریائی تسبیح بیان کر کے اللہ کی الوہیت اور اپنی رسالت بیان کر کے رب کو سجدہ کر کے फिर हुजूर ने क्या किया, हम गुनाहगारों को याद किया, यारे आका लबों पे ये अल्फाज़े कलीमा लाने लगे, अपनी विलादत की घड़ियों में अभी चंद लम्हे हुए, दुनिया में तशरीफ लाए हुए कि हुजूर उम्मत को याद करने लगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मुल्ला कहते हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली, अगर नबूवत 40 साल के बाद मिली तो विलादत के वक्त किस उम्मत को याद किया जा रहा है? नबूवत थी तो उम्मत को याद किया, रिसालत थी तो उम्मत को याद किया। उठाओ सहाबा किराम की हदीस का मुताला करो, अबू हुरैरा फरमाते हैं कालू या रसूल अल्लाह लता वजबत लगन नबूवतु, अबू हुरैरा कहते हैं सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हमें बताइए लता वजबत लगन नबूवतु, आपकी नबूवत कब से जारी और सारी है, आप कब से नबी हैं, सोने आप दसो सिर पाक दे नबूवत ताज कदो सजाया सी और पैरा पाक करो नबूवत तख्ते कदो जमाया सी, सोने नबी ने फरमाया तुम तो नबी शन वो आदम बैन रूही वल जसद, के मेरे गुलामों मैं तो उस वक्त भी नबी था के भी आदम बने भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इनकी नबूवत इनकी अबूवत है सबको आम। आला फरमाते हैं हुजूर की नबूवत और अबूवत सबको आम है, सब नबी बाद में नबी बने, हुजूर पहले से नबी हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर काजी शरीफ मुफ्ती अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह वह नबी की तफसीर में फरमाते हैं, तुम लोग नबूवत की बात करते हो, इस आयत ने तो ये बता दिया कि नबूवत ही नहीं हुजूर की रिसालत भी आलम अरवा से चलती आ रही है। हुजूर की नबूवत और रिसालत का जलवा
उठाओ हदीसे पाक पढ़ो नबी पाक फरमाते हैं इन्नी आरिफ हजरन बिमक्का कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअथ व इन्नी आरिफुहु आन अब कमा कहा हुज़ूर फरमाते हैं अभी मैंने नबूवत का ऐलान नहीं किया था अभी कुरान का नुज़ूल शुरू नहीं हुआ था अभी वही का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था उससे पहले की बात है प्यारे आका फरमाते हैं मैं ऐसे ही पत्थरों को जानता हूँ ऐलाने नबूवत से पहले की बात है मैं उनके पास से गुजरता था वो कहते थे सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और हुजूर की हदीस मैं मा मिन शयइन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह फरमाया अर्श से लेकर फर्श तक वो कौन सी चीज है जो मुझे नहीं जानती मा मिन शयइन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह कायनात का जर्रा जर्रा कतरा कतरा मुझे जानता है पहचानता है इल्ला कफरत जिन्न वल इंस हां जो इंसानों में सरकश है वो मेरा इनकार करते हैं जो जिन्नों में सरकश है वो मेरा इनकार करते हैं वरना सूरज भी मेरे हुक्म का बांधा है चांद भी मेरे हुक्म का हिला है मैं हवाओं को कह दूं चले जाओ तू उठे सुभान अल्लाह हुजूर की नबूवत इंसान प्यारे आका अलैहि सलाम ने रब को सजदा किया अल्लाह की वहदानियत का खुतबा पढ़ा और फिर हम गुनाहगारों को याद किया हुज़ूर ने कहा रब हबली उम्मती क्या कहा बोलिए रब हबली उम्मती क्या कहा रब हबली उम्मती हुज़ूर ने कहा रब हबली उम्मती अल्लाह मेरी उम्मत मुझे बख्श दे अल्लाह मेरी उम्मत अब जब हुजूर ने दुआ मांगी पैदा होते ही विलादत बासादत की घड़ियों में और विलादत की घड़ियां उसमें हुजूर के जलवे कैसे थे हुजूर की कुप्पो जानाई सईदा सफिया फरमाती मैंने जिन्हें सोचा कि मैं आगे बढ़ू और जो नेमत रब ने दी है उस सोने को उठाऊं नहलाऊं धुलाऊं खुशबू लगाऊं तेल लगाऊं सुरमा लगाऊं फरमाती है मैं ये सोच के आगे बढ़ी तो गैब से आवाज आई सफिया इनको गुस्ल देने की जरूरत नहीं ये रब की रहमत के दरिया में नहा के और एक बात हुजूर ने खुद फरमाया मुझे गुस्ल की हाजत नहीं मैं दरिया रहमत पे नहा के आप रहमत फरमाती है कि हुजूर सर्वसजूद थे रेशमी कपड़े में लिपटे हुए और खुशबू से पूरा घर महकता फरमाती है हुजूर ने कहा रब्बे हबली उम्मत एला मेरी उम्मत बख्श दे क्या कहा रब्बे हबली रब्बे हबली रब्बे हबली एला मेरी उम्मत बख्श दे उसी वक्त अल्लाह करीम ने फरमाया इधर मुस्तफा के लोगों पे आया और यहाँ मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा उम्मत ईसा अलैहिस्सलाम की भी थी उम्मत मूसा अलैहिस्सलाम की भी थी उम्मत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी थी उलुल अज़्म रुसुल और अंबिया साहिबान शरीयत आए उम्मतें उनकी भी थी किसी नबी ने पैदा होते वक्त उम्मत को याद नहीं किया उम्मत की बख्शिश की दुआ नहीं मांगी उम्मत को याद किया तो आमिना के लाल ने याद किया उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगी तो आमिना के लाल ने मांगी अगर वो विलादत की घड़ियों में हम गुनाहगारों को याद करें हमारी बख्शिश की दुआ मांगे फिर हम उनको याद क्यों ना करें फिर उनका मिलाद क्यों ना करें फिर क्या रसूलुल्लाह के नारे क्यों ना लगाएं जब हुजूर ने ये दुआ मांगी रब्बे हबली उम्मती एला मेरी उम्मत बख्श दे तो फिर क्या हुआ आप सोचते होंगे या शायद कोई सोचे कि अल्लाह ने फरमाया अगर सोने आ जेड़ा जो करेगा वो करेगा तो मैं ते कहार मैं जब्बार मैं मुंतकिम मैं ते छटना नहीं किसे नु ते तू एक गल्ला ना करता एक गल्ला ना कर तू छट ना 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 अस्तगफिरुल्लाह हुजूर ने कहा रब्बे हबली उम्मती रब्बा मेरी उम्मत बख्श दे रब्बे करीम ने फरमाया वहब्तुका उम्मतका बि
सोनिया तेरी शान इतनी बुलंद है, तेरी शान इतनी अरफा है, तेरी शान इतनी आला है, तेरी शान इतनी बाला है, तेरी शान इतनी प्यारी है कि मैं तेरी बात का इनकार कर सकता ही नहीं। तूने कहा उम्मत बख्श दे, वहां तू कहा उम्मत का सोनिया ले ले अपनी उम्मत बख्श दिया। हजूर तो अपने मिलाद की सांसों में उम्मत को याद रखें, गुनाहगारों को याद रखें, उनकी बख्शिश की दुआ मांगे। और हजूर के उम्मती जब जज्बाते तशक्कुर से सरशार होकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने मिलादुन्नबी के जुलूस निकाले, तो ऐसे भी जलील यजीदी अमरीकी खनाजीर हैं कि उन पर गोलियां चलाएं, उन पर शैलिंग करें, उन पर पर्चे काटें, उनको उठा के जेलों में डाल दें। तुम जलीलो रुस्वा होकर नीस और नाबूद हो जाओगे। हजूर का झंडा कल भी लहरा रहा था, कयामत तक लहराता रहेगा। तुम्हारी गोलियां सख्त हो जाएंगी, तुम्हारे शैल फना हो जाएंगे, तुम्हारी ज़बानें गुंग हो जाएंगी, तुम्हारे हाथ शल हो जाएंगे। जिक्र मुस्तफा कल भी जारी था, जिक्र मुस्तफा कयामत खत्म होगी, कहां से गुजरेगी। अगला जुमला बाबा जी का याद है, बाबा जी ने थोड़े प्यो का मुल्क है, जो चाहोगे नबी के नाम से जुलूस कढ़ांगे, जिथे चाहोगे जुलूस कढ़ांगे, और पाकिस्तान बनिया ही सोने के नाम पे। Yeah.
ईमान का पता ही नहीं। सहाबाए किराम ने हजूर की तरफ आते हुए तीर अपने हाथों पे रोके, अपनी छातियों पे रोके, अपने वजूद छलनी छलनी करा लिए, आंखों में तीर पेवस्त हुए, जिस्म को तीर छेद के गुजर गए, हजूर की तरफ तीर नहीं आने दिया। तुमसे जुलूस मिलाद होना भी बर्दाश्त नहीं होता। हजूर का मिलाद पाक कायनात बनी ही जिक्र मुस्तफा के। आइए बात मुकम्मल करते हैं जो हदीस पाक आपको सुना रहा था, उस हदीस को मुकम्मल करते हैं। नबी पाक ने शान बयान की, अन अव्वल शाफी व अव्वल मुशफ्फा यौम अल-क़यामत वला फ़ख़्र, मैं शफात का ताज मेरे सर पे है, मैं फ़ख्र नहीं करता। शफात का सेहरा मेरे सर पे है, मैं फ़ख्र नहीं करता। शफात का मनसब मेरे पास है, मैं फ़ख्र नहीं करता। हुज़ूर की शफात, अम्बिया किराम भी हजूर के ही लिवाए हम्द के साए में खड़े हैं। और जब हुज़ूर शफात करेंगे तो क्या आलम होगा? आला हज़रत हदीस बयान की सुभान अल्लाह, फरमाते हैं अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन नबियों के लिए मिंबर सजाए होंगे, अल्लाह ताला ने जन्नत के मिंबर सजाए होंगे नबियों रसूलों के लिए। हुज़ूर फरमाते हैं सारे नबी रसूल अपने मिंबर पे बैठ जाएंगे, मैं अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा। या रसूल अल्लाह आप क्यों ना बैठे अपने मिंबर पे? फरमाया इस अंदेशे से, इस फिक्र से कि मैं अपने मिंबर पे चढ़ जाऊं, पीछे से मेरी उम्मत का हिसाब किताब ना शुरू हो जाए। जब हुजूर मिंबर पे नहीं बैठेंगे, अल्लाह फरमाएगा महबूब तो मिंबर पे नहीं बैठता, तो हुजूर अर्ज करेंगे रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह करीम फरमाएगा महबूब सोने आ, तो मिंबर पे बैठ तो सही यारा, बाकी रही बात तेरी उम्मत की, तेरी उम्मत के मामले में मैं तुझे खुश कर दूंगा, राजी कर दूंगा, तू जिस जिसकी शफात करेगा मैं जन्नत में जाऊंगा। जो सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खुलवाएगा, सुभान अल्लाह, मैं ही जाके जन्नत की जंजीर हिलाऊंगा, फयफ्तहुल्लाहु ली, और अल्लाह मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल देगा, फयुदखिलुनीहा, और मुझे जन्नत में दाखिल करेगा, रब मुझे जन्नत में दाखिल करेगा इस शान के साथ, हमारी फुकराउल मोमिनीन साथ अपनी उम्मत के सारे गरीबों फकीरों को पकड़ के जन्नत मैं वो अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन अला अल्लाह
وانا اكرم الاولين والاخرين على الله ولا فخرا. فرمایا تمہیں پتہ ہے جتنے نبی رسول ہیں سب سے بڑی شان میری. سبحان اللہ. انا اكرم الاولين والاخرين على الله. حضور فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں رب کے حضور مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی. سب سے بالا والا ہمارا.